बचाओ बचाओ था अरे अरे अंकल जी आप ठीक तो हैं क्या हुआ आपको अरे हॉस्पिटल हॉस्पिटल सब कुछ ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा बस दो मिनट दीजिए मुझे ये आराम से आइए डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब देखिए ना, को हार्ट अटैक आ रहा है आप 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 प्लीज जल्दी से चेक कीजिए ना इन्हें। जी जी, घबराइए मत, बस देखिए पापा, पापा, तो वो, तो हाँ वो... वो, तो वो आपके जो भी हैं उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है और उनको ऑपरेशन करना पड़ेगा उसके लिए कम से कम भी दस पंद्रह लाख का खर्चा आएगा कोई बात नहीं डॉक्टर साहब मैं पैसे जमा करवा देती हूँ आप जल्दी से पापा का ऑपरेशन शुरू कीजिए प्लीज कीज़। जी ठीक है आप काउंटर पर पैसे जमा करवा दीजिए हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं भैया ये बैग मेरे पापा के प्लीज दे दीजिए शुक्र है भगवान के इसमें पैसे भैया मैं ये पैसे जमा करा कराती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया आप मेरे पापा को वक्त पे हॉस्पिटल ना पता नहीं क्या ही हो जाता इट्स ओके मैम कोई बात नहीं आप जाके फटाफट पैसे जमा करवा दीजिए ताकि अंकल का ऑपरेशन शुरू हो सके थैंक यू अबे बुड्ढे ये सारे नोट नकली हैं असली कहा नोट साहब मुझे नहीं पता जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया मैं सड़क पे गया और जाके उस आदमी के सामने गिर गया और मुझे उठा के ना वो हॉस्पिटल लेके आ गया पैसों के साथ बस भैया ये बुढ़ाना झूठ बोल रहा है इसे हमारे प्लान के बारे में सब कुछ पता था पक्का इसी ने कुछ झोल की है सारे नोट तो नकली है, इस रिसीट का क्या फायदा है? ये तो मैं अब तुम्हें बताऊंगा अब तुम ना सीधा जेल जाओगे जेल तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो मैडम मैं एक पुलिस वाला हूँ और मैं कभी भी कहीं भी जा सकता हूँ बिना किसी की परमिशन के समझे पुलिस वाला बैड लक बुढ़ा जब रास्ते से जा रहा था ना और मेरे सामने आके गिरा तब शायद नहीं था जब मैंने उठाया तब इसकी हार्ट बीट तो चल रही है अब तो यह पता करना ही पड़ेगा कि यह सब नाटक क्यों कर रहा है और इसके पास ये पैसे कहां से आए मेरे आने से पहले तुम तीनों के बीच जो कुछ भी बात हुई है ना वो सब कुछ रिकॉर्ड हो चुकी है क्योंकि मैंने तुम्हारे ये पैसों के बैग में ना वो इस रिकॉर्डर फिट कर दिया था अब तुम तीनों का ना रियल ऑपरेशन होगा लेकिन हॉस्पिटल में जाके नहीं सीधा पुलिस स्टेशन में जाके चलो मेरे साथ हाँ सर, चलो सर। चलो। दोस्तों लोग गलत काम करने के हजारों तरीके ढूंढते हैं लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता कि उनकी एक गलती उनको जेल के रास्ते पर पहुंचा सकती है तो अपने जीवन को हमेशा ईमानदारी से जीना चाहिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें शुक्रिया